और दोस्तों हम यहाँ पहुंच गए हैं आखिरकार। सो गाइस, राइड की शुरुआत हो चुकी है। डेस्टिनेशन अराउंड 58 किलोमीटर दूरी पे। राइड अपडेट्स मैं देता रहूंगा आपको। आज जुनैद भाई अपने साथ राइड कर रहे हैं। तो गाइस, हम आज बेड से केव्स जा रहे हैं। बेड से केव्स एक बुद्धिस्ट हेरिटेज है, काफ़ी पुराना है, हिस्टोरिकल है। उसके बारे में डिटेल्स में देता रहूँगा, कौन सा रूट से आपको जाना चाहिए। सुबह सुबह काफ़ी ठंड है, आप इधर फॉग भी देख सकते हैं। और ये बन गार्डन का ब्रिज, यहाँ से आपको फॉग का अंदाज़ा हो जाएगा, दूर का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये पुणे का मेट्रो का काम चालू है। आरोन प्राउड पुणे मेट्रो। सो एक फ्यूल ब्रेक के बाद वापस राइड शुरू हो चुकी है। शायद हम खाने के लिए आगे रुकेंगे क्योंकि सबको भूख लग रही है। CUAP कॉलेज। सो खड़की होते हुए पिंपरी चिंचोड़ से होते हुए डेस्टिनेशन है। अगर आप इन अराउंड पुणे तो आपके लिए अच्छा होगा। अपन ओल्ड हाईवे से जा रहे हैं, MH 48। The concrete jungle and the natural jungle, सही कॉम्बो है। और गाइज, राइड अपडेट, 7:12 हो चुके और 59 मिनट्स लगेंगे, मतलब अप्रॉक्स 42 किलोमीटर्स। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। ये है वो होटल कृष्णाई जहां हमने अपनी गाड़ी पार्क की है। यहां से तकरीबन 100 मीटर चलने के बाद आपको केव्स की ओर ले जाने वाली सीढ़ियां दिखेंगी। तो दोस्तों, ये टोटल 450 सीढ़ियां हैं। तो सीढ़ियां चढ़ते समय आपको थोड़ी थकावट महसूस हो सकती है, तो आप आराम करते हुए जाएं सीढ़ियों पे, ताकि आप ज़्यादा डिहाइड्रेट ना हो। तो दोस्तों, पुणे मुंबई हाईवे से कामशेद होके पावना लेक की ओर जाते समय ये बेडसे गांव पड़ता है। बेडसे गेव्स एक बौद्ध रॉक कट स्मारकों का एक समूह है और इस गुफा का इतिहास पहली शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहन काल से देखा जा सकता है। और दोस्तों, हम यहाँ पहुंच गए हैं आखिरकार बेडसे गेव्स के। इधर आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग का नज़ारा, बेहतरीन है। और ये हमारे साथी थक चुके हैं, मेहनत हमारी
अब शायद अंदर जाके और रंग लाए, बाहर से तो नज़ारा बहुत बेहतरीन नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो में कहा था कि केव्स के अंदर का दृश्य थोड़ा बेहतर होगा या अच्छा होगा, वैसे ही हमें यहाँ के केयर टेकर ने शूट करने से मना कर दिया। वहाँ के रूल्स के हिसाब से हम यहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर सकते, सिर्फ फ़ोटोज़ ही ले सकते हैं। तो हमारे पास अभी सिर्फ कुछ फ़ोटोज़ ही हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, तो आप देखें, इंजॉय करें। दोस्तों, यहाँ मेन केव्स के अंदर जाना अभी मना है। इसका रीज़न ये है कि कुछ महीनों पहले यहाँ का जो मेन केव्स है उसके ऊपर जो स्लैब या चट्टान है वो टूट गया था, जिसके वजह से यहाँ अंदर नहीं जा सकते। तो हमारे पास बाहर की कुछ तस्वीर हैं हमने जो खींची हैं। और हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी बातें जो हमें याद रखनी चाहिए, जैसे कि हमें वहाँ के केयर टेकर ने बताया था कि यहाँ बिना इजाज़त के अंदर जाना मना है, और अगर कोई बिना इजाज़त के अंदर जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो अगर आप लोग भी कभी यहाँ जाते हैं तो सारे रूल्स को फॉलो करें और पता करके जाएँ कि यहाँ का मेन केव्स खुला है या नहीं खुला है, नहीं तो शायद आपकी मेहनत बर्बाद हो सकती है 450 सीढ़ियाँ चढ़ने की। तो दोस्तों, यहाँ गुफाओं का एक समूह लगभग 150 मीटर लंबी एक चट्टान में खोदा गया है। यहाँ कुछ विहार, उत्कीर्ण स्तूपों और पानी की टंकियों के साथ एक चेत गृह भी है। इन केव्स का नाम प्राचीन काल में मारकुट था, ऐसा यहाँ की शिलालेखों में उकेरा गया है। उकेरा गया है मतलब पत्थरों से लिखा गया है। तो दोस्तों, हमारा यहाँ बेड़से केव्स का सफ़र पूरा होता है और हम अब जा रहे हैं पौना लेक की ओर। तो चलिए चलते हैं। गाड़ी से पौना लेक की तरफ निकले हैं। दोस्तों, हम बेड से के उसका सफर पूरा करके अब हम पहुंच जाए हैं पौना लेक की ओर। पौना लेक का व्यू देखिए आप दूर से। तो दोस्तों, पौना लेक बेड़से केव से अराउंड 10 किलोमीटर दूर है। सो आप लोग भी कभी बेड़से केव आते हैं तो पौना लेक भी जा सकते हैं। वैसे कुछ खास तो नहीं है पौना लेक में, वो भी दोपहर के टाइम पे, पर आपको थोड़ा शांति मिलेगा। और अगर आप पौना लेक आना ही चाहते हैं तो रात के टाइम पे आइए कैंपिंग करने के लिए, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। सो गाइज, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर ऐसे ही वीडियोस आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग। रियल लाइफ सीन्स है, निकल जाने का, मैं लास्ट में वैसे भी तो बैकग्राउंड में नहीं, पहले वाला है ना, तू भी वही बोला, पीछे से पकड़, पीछे से।